हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आरीज में ऑल इन वन। आज मैं आपको श्रावण मास में हरियाली तीज की बधाई देने के लिए सामने आई हूँ। तो दोस्तों, ये जो हरियाली तीज है, आज श्रावण मास में तृतीया के दिन, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ये हरियाली तीज मनाई जाती है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है विवाहित महिलाओं, अविवाहित महिलाओं के बीच भी। ये जो हरियाली तीज है दोस्तों, यो यूपी बिहार में खासकर ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में भी कई जगहों पर ये उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि आज हरियाली तीज है और आज के दिन महिलाएं जो हैं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग की साड़ियां पहनती हैं, चूड़ियां, बिंदी। ये तो दोस्तों मेरे पास ये हरे रंग, अरे ग्रीन कलर की साड़ी अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये एक नॉर्मल सी साड़ी डाली है। बट आप देख सकते हो कि मैंने ये ग्रीन जो आईशैडो है, लाइनर है, ग्रीन नेकलेस, ये ग्रीन चूड़ियाँ मैंने कोशिश करी है हरे रंग की डालने की। तो दोस्तों, ये जो है तीज का जो उत्सव है, ये बहुत ही धूमधाम से गांव घर में मनाया जाता है। आज के दिन जो औरतें हैं, गीत गाती हैं, झूले झूलती हैं, एक साथ सखियां सारी मिलके बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करती हैं। शिव पार्वती के पुनर्मिलन का ये दिन है, तो इस दिन जो है महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की सुहागन में अपने सुहाग की रक्षा की कामना करती हैं, मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। अविवाहित महिलाएं भी, लड़कियां, अविवाहित लड़कियां भी जाती हैं मंदिर, अच्छे वर की कामना करती हैं, अपने लिए अच्छे धन धान सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो ये जो सावन मास में हर जगह जो हरियाली होती है, जो सुख समृद्धि धन धान्य का प्रतीक है, इस वजह से ये जो पावन महीना होता है, ये जो पावन त्यौहार होता है, उसमें महिलाएं हरे रंग की कोशिश करती हैं कि सब कुछ हरे रंग से वो अपना श्रृंगार करने की कोशिश करती हैं। हरी बिंदी, हरी चूड़ियाँ, हरे नेकलेस, हरे रंग की साड़ियाँ, मेहंदी, गीत, सावन के झूले, सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा आपसे आपकी बातें आपका टाइम नहीं लूँगी और आपको बहुत बहुत बधाई हो हरियाली तीज की। अच्छे से मनाएं, गीत गाएं, सखियों के साथ झूले झूलें, और जो स्त्री आज के दिन व्रत रखती हैं उनका व्रत बहुत अच्छे से हो जाए और पूजा अर्चना भी अच्छे से हो जाए, 16 श्रृंगार भी करें, खुश रहें। और दोस्तों, तो चलिए आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।